ब्रश किया होता ना मेरे को पपी। ऊपर इट्स 93.5 रेड एफएम, मैं आरजे रौनक इस वक्त खड़ा हूँ हिंदू कॉलेज के हॉस्टल के बाहर। क्यों खड़ा हूँ? ये ट्रॉफी लेके खड़ा हूँ, इंडिया के सबसे पॉपुलर आरजे का खिताब जो मुझे मिला है आप ही के प्यार की, दुआओं की और मेहनत की वजह से मिला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर वन हमारे अलावा आप भी हैं, इनफैक्ट आप ही हैं असली नंबर वन। इसीलिए यहाँ पर भी एक नंबर वन से मिलने आया हूँ मैं, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी मुझे सबसे पॉपुलर और नंबर वन आरजे बनाने के लिए। कौन है वो, किससे मिलवाने वाला हूँ और क्यों है वो नंबर वन, जानना है मेरे पीछे आओ। क्या कर रहे हो? सो रहा है। अब पता चलेगा तो पता नहीं, इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक थोड़ी आता है। अरे प्रखर, ये प्रखर बाबू, मैं बउआ बोल रहा हूँ, तो सपना नहीं देख रहा है? पहचानी नहीं पहचानी? सर हाँ हम मुझे बुला लिए होते हैं, गंदे रूम में आने नहीं, गंदा रूम में आया था वो तो मुझे पता है गंदा रूम है। ये कब छापा, क्या करते तू, तेरे दोस्त लोग भी यहाँ पे, दुर्गेश बता जरा ये क्या, ये इसको लेके करके क्या करता था, तो आपने फेसबुक लाइव दिया था कि वोटिंग के लिए, इसको ले लेकर के सब रूम में जाता था रूम में कराने के लिए, जो ना भाई को वोट करना। अच्छा, बउआ का जिसने नंबर वन बनाया वो ये है, नाम है प्रखर। सो 3-2-1 तू कब से सुन रहा है रौनक को? सर आपका जब फर्स्ट शो आया था ऑन एयर 8 नवंबर 2010 को, कब आया था? 8 नवंबर 2010 अमावस्या थी उस दिन। DL935 इतना तक है, पंचांग लेके शो देखता है, अबे सुनता है DL935 तब से। तब से, और जब आपका शो फ्लिप करके मॉर्निंग शिफ्ट में आया। फिर से बोल रहा हूँ, ये ब्रश किया होता ना मेरे को पब्लिक। सो इंडिया रेडियो फोरम 2017 का मोस्ट पॉपुलर आरजे ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मेरे को मिला है, ये आपने बनाया है, इसलिए तू मेरा नंबर वन। दिल्ली और हिंदुस्तान के जितने सारे लोगों ने हमें वोट दिया और नंबर वन बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ असली नंबर वन तू है, असली नंबर वन आप है और हमेशा रहेंगे। सो कल और एक नंबर वन के साथ यही मिलूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।